नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश कुमार आपका उस चैनल पर स्वागत करता हूं जिस चैनल पर सच्चाई से रूबरू कराया जाता है। आज हम एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे हैं जहां पर लाखों की तादाद में भीड़ आई हुई है और ये केंद्र, यह जगह एक आस्था की जगह बनी है। यहां पर डेरा के कुछ श्रद्धालु हमारे बीच में हैं, इनसे जान लेते हैं कुछ डेरे के बारे में। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकुर इंसा है, अंकुर उपाध्याय इंसा। आप कहाँ से आए? अलीगढ़ कोल से। आपको डेरे से जुड़े हुए कितना समय हो गया? मुझे, मैं फिफ्थ या सिक्स में था, पढ़ता था, जब से लिया हुआ मैंने। किसी दबाव में आते हैं? निजी नहीं, मैं मालिक का खेल ऐसा था कि घर से तो डिसाइड होता है भाई कौन लेना है, मम्मी पापा का तय था, लेकिन हमारा, मेरा और मेरे भाई का ऑन द स्पॉट ही मूड बना कि चलो हम भी ले लेते हैं। तो सच्चे सौदे में आपके लिए क्या शिक्षा मिलती है? सच्चे सौदे में बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छी सीखने को मिलता है हमें, अपने खुद को पहचानने की। सबसे पहले हम भीड़ से अलग होकर के खुद को पहचानते हैं कि हम हैं क्या, हम इंसान हैं, पहले हमारा क्या कर्तव्य है, हमें किस ओर जाना है। पूरी मार्गदर्शन पूज्य गुरुजी द्वारा हमें मिलता है कि सही दिशा में हमें इंसान का रूप जन्म मिल गया, लेकिन इंसान को मालूम नहीं होता कि हमें करना क्या है। जब बच्चा छोटा होता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाता है, जब वगैरह दुनियादारी में तो हो जाता है, लेकिन वो उसे खुद को असल में मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मानवता के अध्यात्म की ओर से जुड़ता है, फिर उसे मालूम चलता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किस ओर जाना है। तो उस रूप में हमारा बहुत विकास होता है, फिर मानसिक भी विकास चेंज हो जाता है। जैसे अब कई बार हम दुनियावी में भी हम ठोकर खाते हैं तो सफलता नहीं मिलती गुरु मंत्र लेने से पहले, तो हम जब गुरु मंत्र ले लेते हैं, गुरु से जुड़ जाते हैं, तो हम यहाँ पे आध्यात्मिक ग्रोथ पे तरक्की होती है। फिर दुनिया में हम कारोबार करते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल है, टी कुछ भी है, हम जो बनते हैं उसमें भी सफलता होती है। और आप मेरा ये मानना है जितने भी हमारे जो बंदे हैं जो उन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है, वो कहीं भी काम करते हैं तो लोग उन पर फोकस करते हैं, ये इसकी मनोदशा, मानसिक सोच क्या है, ये हमारे जैसे क्यों नहीं हो रहा, अलग क्यों है? क्योंकि आम दुनिया दौर पर देखा जाता है वो काल के दायरे में है, वो सिर्फ अपना सोचते हैं कि हमारा भला हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन जो डेरे के जो गुरुमंत्र लिए होते हैं नामधारी शिष्य, वो परिवर्तन हो जाता है उनका, और फिर वो दूसरे का भला करते हैं, साथ पे माता भला करते हैं, अपना भी भला होता है। जैसा कि जब से आप डेरे से जुड़े हैं, आपकी ये सोच है, आप ऐसे हैं, यदि आप डेरे से जुड़े हुए ना होते तो आप कैसे होते? हम डेरे से जुड़े ना होते कल्पना नहीं कर सकते कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, शायद इस स्तर पर नहीं पहुँच पाते, हम बहुत ही ठुकराए होते, हमें कोई पहचान नहीं मिलती, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम भी शायद और ऐसे नशे वशे जो देख लिया उसको मान लिया, हमें कोई हीरो सिगरेट पी रहा या ड्रिंक करना चाहिए तो हम भी शायद शुरू कर दिया होता, फिर घर में भी शांति नहीं होती और तरक्की नहीं होती, जिससे नुकसान होता है, समाज में नाम नहीं होता। जैसे कि संत जी ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं, नशा छुड़ाया है लोगों का, मांसाहार छुटाया है, वैश्यवृत्ति से बचाया है बेटियों को, और बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य करने सिखाए हैं, तो इनके बदले में क्या संत जी दान लेते हैं? लेते हैं तो कितना लेते हैं? जी अभी तक तो हमसे कुछ भी नहीं लिया गया, जब गुरुमंत्र लिया था तो भी नहीं था, और अभी भी निःशुल्क है, क्योंकि ये गुरुमंत्र किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान से बात करके जुड़ने का एक अनमोल है, इसका कोई रुपये पैसे से वो तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए ये जो गुरुमंत्र है अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, इसलिए अभी तक निःशुल्क है और आगे भी निःशुल्क ही रहेगा ऑफकोर्स। जैसा कि आज गुरुजी आपके बीच, इस समाज के बीच में नहीं है, तो क्या आप गवर्नमेंट से गुरुजी को लेकर के कोई अपील करना चाहोगे? मेरा ये मानना है कि आप कोई भी मंत्री या कोई भी सरकार का नुमाइंदा आके देखे, कोई भी जज कोई भी हो, वो आके देखे भाई भीड़ कितनी आ रही है, क्यों आ रही है, और गुरुजी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं समझा रहे हैं, और वो पूरा तरीके से पड़ताल करें, उन्होंने पता नहीं कैसे जो है एक पक्ष का सुन लिया और ऐसे फैसले दे दिया, वो भी ब्लैंक गुमनाम चिट्ठी भरोसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आए, देखें, समझे, तभी तो आप पता लगेगा। आप हम कोई भी जो देख लेते हैं घर पे बैठे फैसला बना दिए तो ऐसे होंगे, तो वो गलत चीज़ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आए, देखें, समझें, मान्यता 134-135 मान्यता भलाई कार्य चल रहे हैं, और लोग अभी हॉस्पिटल में, अभी आने वाले टाइम में, पिछले कुछ बीते दिनों में फ्रूट की सेवा लगी थी, हॉस्पिटल में फ्रूट दे के आया था, तो आए, वो जुड़े, देखें भाई, समझें कि यहाँ पे डेरे सच्चे सौदे में क्या हो रहा है। सर, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एक डेरा श्रद्धालु, इन्होंने बताया है कि डेरा सच्चा सौदा पहले भी मानवता भलाई के कार्य करता रहा है गुरुजी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए, और आज भी करता है,
इन्होंने बताया कि यदि आज हम डेरे सच्चे सौदा से जुड़े हुए ना होते तो किसी नाली में होते, दारू के नशे में होते, पता नहीं किस जगह होते, जिस चीज़ से आज हमारी पहचान है वो पहचान ना होती। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे